होगी हूँ आज भी। बाबा आप स्केटिंग के लिए नहीं लेके जाते, हमने प्रॉमिस किया था कि आप लेके जाएंगे। आपने पक्का तोड़ दिया बाबा। मेरे बेटे मैंने पक्का वादा नहीं तोड़ा आपसे, मेरा आपसे वादा अभी भी पक्का ही है, मैं लेके जाऊंगा आप दोनों को। तो बाबा मैं लेके जाऊंगा। मेरे प्यारे बेटे मैं आपको लेके जाऊंगा, बस एक छोटा सा काम आ गया, मैं बस वो कर रहा हूँ तो फिर आपको लेके जाऊंगा। पापा को थोड़ा सा जरूरी काम आ गया इसलिए पापा को जाना पड़ रहा है। कोई बात नहीं, पहले हमने थोड़ा जल्दी जाना था, अब हम थोड़ा लेट चले जाएंगे, लेकिन मैं आप दोनों को लेके जाऊंगा, बस थोड़ा सा सब्र कर जाओ। अब्दुल रहमान बाबा की बात सुन लो ना, बाबा ने प्रॉमिस किया, बाबा प्रॉमिस नहीं तोड़ेंगे। अब आप बाबा की बात मान लो। ये है मेरी प्यारी बेटी, समझदार है, फौरन बात समझ जाती है बाबा की। मैं भी अच्छा बेटा हूँ बाबा। जी आप तो हो मेरे अच्छे बेटे। चलो बताओ फिर अब बाबा जाएं। यस बाबा। ओके बेटा बाय, अल्लाह हाफिज। बाय। ठीक है बच्चों, बाबा जल्दी आएंगे, अल्लाह हाफिज। ये लो अब्दुल रहमान आपका मैंगो जूस। और बेटा ये स्केटिंग शूज यहाँ क्या कर रहे हैं, इसको जाके अपनी जगह पे रखो बेटा, अभी आएंगे बाबा और आपको ले जाएंगे। ठीक है? ठीक है। अब स्केटिंग शूज को सोफे के ऊपर ना लेके आना। ओ ओ बाबा का फोन, क्या हो गया? हेलो जी। ओ ओ अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, घर पे ही होगा। ओके अब क्या करूं? क्या हुआ मम्मा? बेटा बाबा का वॉलेट घर रह गया, और बाबा कह रहे हैं मुझे पार्किंग में दे जाओ। अब मैं ऐसा करती हूँ कि बाबा को वॉलेट देके आती हूँ, आप और मरवा दोनों आराम से बैठे रहना, ठीक है? ओके मरवा। जी मम्मा। मरवा मैं बाबा को वॉलेट देने जा रही हूँ, घर में आराम से बैठना। ओके ओके मम्मा। गुड मरवा। अब्दुल रहमान मामा जस्ट 2 मिनट्स में आएंगी। ओके कोई शरारत ना करना। ओके मैं दरवाजा बंद करके जा रही हूँ। ओके मामा ठीक है। ओके मैं सकता हूँ, मैं घर पे स्केटिंग शूज करता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ। ओके Yes, break one more and yay! Hello, no, Abdul Rahman. Abdul Rahman, what are you doing? मैं स्केटिंग शूज लाऊंगा। आप स्केटिंग करने लगे हो अब्दुल रहमान? जी मैं स्केटिंग करने वाला हूँ। घर पे? जी घर पे, घर पे करूंगा स्केटिंग। लेकिन अब्दुल रहमान आप घर पे स्केटिंग कैसे करोगे? मैं घर पे भी कर सकता हूँ स्केटिंग। लेकिन अब्दुल रहमान घर पे इतना सामान पड़ा हुआ है, आप इतनी छोटी जगह से मैं कैसे स्केटिंग करोगे? अब कर लूंगा, कोई बात नहीं। और वैसे भी अब्दुल रहमान आपको तो स्केटिंग में नहीं आती है, और आपने सेफ्टी के लिए भी कुछ नहीं पहना हुआ, अगर आपको लग गई तो मैं कुछ नहीं होएगा, मैं कर लूंगा स्केटिंग। अब्दुल रहमान तो मेरी बात ही नहीं सुनता। आप भी तो लगे आउट।
अपने घर पर ना किया करो। क्या हुआ अब्दुल रहमान? अब्दुल रहमान आपको मना भी किया था कि घर पे स्केटिंग नहीं करो, देखो अब आपको लग गई है। अब्दुल रहमान क्या हुआ अब्दुल रहमान आपको? अब्दुल रहमान क्या हुआ बेटा आपको? क्या हुआ आपको? क्या हुआ मरवा? क्या हुआ अब्दुल रहमान आप क्यों रो रहे हो? मामा मेरे पांव में दर्द हो रही है बहुत। आउच। अच्छा अच्छा उठो उठो मेरा बेटा उठो। ओहो इधर बैठो। अब बताओ मुझे क्या हुआ, कैसे लगी है पांव पे? बताओ अब्दुल रहमान कैसे लगी है आपके पांव पे? मरवा बेटा आप बताओ क्या हुआ अब्दुल रहमान को, कैसे लग गई चोट? मामा अब्दुल रहमान स्केटिंग कर रहा था। स्केटिंग कर रहा था घर पे? जी मामा घर पे स्केटिंग कर रहा था। अब्दुल रहमान बेटा आपको मना किया था ना घर पे स्केटिंग नहीं करनी है? जी मामा मैंने भी अब्दुल रहमान को मना किया था लेकिन अब्दुल रहमान ने मेरी बात नहीं सुनी। और आपने मरवा की बात भी नहीं सुनी बेटा। अब्दुल रहमान बेटा जब आपको बाबा कह के गए थे कि वो आपको स्केटिंग के लिए लेके जाएंगे तो फिर आपने घर पे स्केटिंग क्यों करना शुरू कर दिया, और वो भी सेफ्टी के बगैर? बच्चे जब आप बड़ों की बात नहीं मानते हो ना तो फिर ऐसे अल्लाह ताला आपको सजा देंगे। जब बाबा ने आपको प्रॉमिस कर दिया था कि वो आपको लेके जाएंगे तो आपको बाबा की बात मान लेनी चाहिए थी ना, और सब्र करना चाहिए था। अब देख लो आपने शरारत करके घर में स्केटिंग करनी शुरू कर दी और आप गिर गए और आपको चोट लग गई। जी अब्दुल रहमान मामा बिल्कुल सही कह रही हैं। बच्चे घर में स्केटिंग नहीं करते, घर पे देखो बहुत सारा फर्नीचर पड़ा हुआ है, बहुत सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे आप गिर जाओगे तो आपको चोट लगेगी। स्केटिंग को हमेशा स्केटिंग की जगह पे करना चाहिए, जो जगह स्केटिंग के लिए बनी होती है, और वो भी सेफ्टी के साथ। आपने अकेले स्केटिंग किया और चोट लग गई, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे ना करना। ओके सॉरी मैं नहीं करूंगा। गुड बॉय इट्स ओके, अब नेक्स्ट टाइम ऐसे ना करना। ओके चलो लो दिखाओ मुझे कहाँ लगी आपकी टांग पे। ये तो बिल्कुल सही लग रही है मुझे। देखो कुछ भी नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग। Hi friends, this is Sahresh and this is Lukman from Dubai. अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो जरूर बताएं। And don't forget to like, share and subscribe to our channel. Take care, much love, Allah Hafiz. Bye.